हरिओम मेरे प्रिय तुला राशि के साथियों, 13 अक्टूबर 2024 का दिन आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस दिन सम सप्तक राजयोग का शुभ संयोग और सूर्य की कृपा से मान सम्मान धन में होगी वृद्धि। चलिए जानते हैं इस दिन के राशिफल के बारे में। तो देखिए 13 अक्टूबर का दिन रविवार का दिन है, सूर्यदेव को समर्पित दिन। चंद्रमा का संचार मकर राशि में रहेगा और इस दिन गुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह की एक दूसरे पर सातवें भाव में मौजूदगी होने से सम सप्तक राजयोग का निर्माण हो रहा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस तिथि को पापा कुंशा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन गुरु शुक्र का सम सप्तक राजयोग, शनि का सस राजयोग और घनिष्ठा नक्षत्र और शुभ संयोग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व आपके लिए काफ़ी मंगलकारी माना जा सकता है। जैसे कि आज आपका भाग्य 90% साथ देगा और आपका लकी कलर जो है वो येलो रहने वाला है। और पापा कुंसा एकादशी के दिन बने रहे इन शुभ योगों का फायदा आपके मौज मस्ती के मूड को काफ़ी अच्छा करने वाला है। साथ ही आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति काफ़ी शुभ बनी हुई है। इसके साथ सूर्यदेव के साथ भगवान विष्णु की कृपा भी बनी रहेगी, जिससे आपके मान सम्मान और कीर्ति में वृद्धि होगी। 13 अक्टूबर का दिन तुला राशि वालों के लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आज जो भी कार्य करेंगे उसमें अच्छी सफलता मिलेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। रविवार की छुट्टी की वजह से घर पर कोई स्पेशल व्यंजन बनाया जा सकता है, जिसका आनंद सभी घरवाले लेंगे। अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य से यात्रा पर जाएंगे तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी और उद्देश्य भी पूरा होगा। आप घर और नौकरी में अपनी इच्छा के मुताबिक काम कर सकेंगे। व्यापार में भी अच्छा धन लाभ होने से मन में प्रशंसा बढ़ेगी। आपको नई नई चीज़ें सीखने को भी मिलेगी, जिसके बारे में आप काफ़ी समय से सोच रहे थे। मन में प्रशंसा बढ़ेगी, आपका अटका धन प्राप्त हो सकता है और किसी संपत्ति में निवेश करने का मौका भी आपको मिल सकता है। शाम के समय किसी धार्मिक स्थल पर जाने के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा बेकार नजर आ रहा है। स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी स्टोमक से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती है। इस दिन को फेवरेबल बनाए रखने के लिए साथियों, आपके लिए चाहिए कि आपको हनुमान चालीसा का 7 बारी पाठ करना, अपने घर के मंदिर में बैठकर और हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाकर गुड़ खाकर ही घर से निकलना है।